नमस्ते साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है और यह प्राथमिक स्तर के कक्षा 1 से 5 के लिए उपयोगी है, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, गणित, पर्यावरण अध्ययन, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत विषय सहित कुल 10 प्रैक्टिस सेट पेपर्स हैं और इसमें 10 सॉल्व पेपर्स हैं, जो कि जुलाई 2023 सहित में। और इसकी खास विशेषता है कि इसमें 2000 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न को डाला गया है। चक्षु की सीटेट एग्ज़ाम के लिए चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स भी आती है, जिसे लेकर आप अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। और सीटेट भर्ती परीक्षा 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों की बात करें तो चक्षु के द्वारा सीटेट संस्कृत अध्यायवार सॉल्व पेपर है और सीटेट प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए प्रैक्टिस सेट 10 प्रैक्टिस सेट, सीटेट पर्यावरण अध्ययन अध्यायवार सॉल्व्ड पेपर है और सीटेट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र अध्यायवार सॉल्व्ड पेपर, सीटेट हिंदी अध्यायवार सॉल्व पेपर, सीटेट इंग्लिश चैप्टर वाइज सॉल्व्ड पेपर, सीटेट गणित अध्यायवार सॉल्व्ड पेपर और सीटेट ये जो है स्टडी गाइड है कक्षा 1 से 5 के लिए। अगर आपको सीटेट एग्ज़ाम 2024 पास करनी है तो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाए गए स्टडी गाइड एवं प्रैक्टिस सेट को अवश्य ही मंगवा लें। यह बुक्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं और बुक्स मंगानी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के सहारे आप मंगवा सकते हैं। चलिए साथियों, आज के वीडियो में सीटेट एग्ज़ाम से संबंधित पर्यावरण अध्ययन के विभिन्न प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है? किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। अगले प्रश्नों को देखें। सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सौर सेल के निर्माण में जो है सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंगरोधी बढ़ता का प्रदर्शन करता है? लिंगरोधी बढ़ता का जो है प्रदर्शन करता है, तो सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं, यही जो है लिंगरोधी बढ़ता को प्रदर्शन करती है। नर चिड़ियाँ बहुत सारे सुंदर बनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़ियाँ इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है, तो यह कौन सी चिड़ियाँ जो है यह प्रक्रिया यह प्रक्रम को अपनाता है? तो यह हो जाएगा बायां यानी जुल्हा चिड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएँ बटी हुई रहती है? सभी की भूमिकाएं जो है बटी हुई रहती है, तो यह हो जाएगा ततैया, दीमक और चींटियां। अगले प्रश्नों को देखें। फूलों की जो है पहचान करना है, फूलों की पहचान करना है, इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बी यानी रात की रानी, गुड़हल, गेंदा, गुलाब, ये जो है फूलों का प्रकार है ये सभी। मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? छत्ते के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? केवल रानी मधुमक्खी अंडे देते हैं ये तो सत्य है, श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर मक्खी होती है यही गलत है, छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती है बिल्कुल सत्य है और छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी बिल्कुल सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है? फल का इनमें से कौन सा समूह है? देखें तो केला, बैंगन और सेब, ये जो है फल का ही समूह है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बावड़ियों के संबंध में तो बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता, यही कथन जो है गलत है। अगले प्रश्नों को देखें।
एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है। अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए तो ये सुरंगें किन पहाड़ियों में हैं? तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट के पहाड़ियों में हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सत्य है? कथन है ए, हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं। फिर कथन दूसरा है, तर्क दूसरा है आर, कि नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं। तो दोनों तो सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। नीचे कक्षा पाँच के चार बच्चों के खून की जांच रिपोर्ट में उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया है। अमन का 8 है, राधिका 10, सुरजीत 14 और मारिया 6। इन बच्चों में से किन बच्चों में रक्त आल्पा है? रक्त आल्पा की जो है संभावना किन में है? 14 वाले सुरजीत तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, लेकिन अमन राधिका और मारिया ये जो है रक्त आल्पा है, एनीमिया से ग्रसित हैं। चिड़ियों की आँखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चिड़ियों की आँखों के बारे में देखिए, S1 है, सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आँखें होती हैं। S2 है, चिड़ियाँ दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती हैं। तो ये दोनों जो है कथन बिल्कुल ही गलत है। बाघ यानी कि टाइगर्स की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती है? कौन सी विशेषता? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जोर की जो है गर्जना। निम्नलिखित का सही मिलान करना है, राष्ट्रीय पार्क है और भारत के राज्य, जिम कार्बेट उत्तराखंड, काजीरंगा असम हो जाएगा, रणथंभौर राजस्थान, गिर हो जाएगा गुजरात में। अगले प्रश्नों को देखें। जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं? शिक्षक किस उद्देश्य की जो है पूर्ति करना चाहते हैं? सी हो जाएगा, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना। रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है, उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल के विकास का नहीं है? उनका उद्देश्य देखें तो हो जाएगा प्रदर्शन कौशल का नहीं है। पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण हैं? कौन से जो हैं समस्या समाधान के गुण हैं पर्यावरण अध्ययन में? तो ये हो जाएगा सृजन और चयन, यानी ए और बी हो जाएगा। एक EBS शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा, तो एक EBS शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा तो ये हो जाएगा बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। अगले प्रश्नों को देखें। आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे जो हैं सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं। EBS के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान करना। EBS के जो है शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जो है कौन सी हैं? तो ये हो जाएगा सी, यानी अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। पहेलियों को सम्मिलित करने का उद्देश्य क्या होते हैं पहचान करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वे ये प्रश्न संकेतक हैं किसके ये प्रश्न जो हैं विद्यार्थियों की जिज्ञासा के और विद्यार्थियों
के अंतर समझ में अंतर के ए और बी दोनों हो जाएगा। गलत कथन का जो है चयन करना है। देखिए इनमें से कौन सा कथन गलत है। सी विकल्प गलत है। ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी हुई है, यही बातें जो है गलत हैं। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे। औसत छात्रों के लिए जो है उनके कमज़ोर पक्षों को ढूंढना एवं सुधारने के लिए समाधान खोजना एवं लागू करेंगे। पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित हैं। तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में जो है सम्मिलित है। किस रूप में सम्मिलित है, तो यह हो जाएगा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के रूप में। विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं। किस पर, तो जब शिक्षक जो है संवाद पर जोर डालते हैं। उपाख्यानात्मक अभिलेख में इनमें से क्या सही नहीं होना चाहिए। उपाख्यानात्मक अभिलेख में देखें तो समस्याओं पर केंद्रित होना ये सत्य है और निर्णायक होना ये भी सत्य है, ए और बी दोनों। एक एबीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि घर की मक्खियां बीमारियां फैलाती हैं। चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का संसाधन कौन सा होगा। सीखने का जो है संसाधन, तो ये हो जाएगा विकल्प ए यानी कि अखबार। अगले प्रश्नों को देखें। खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती है और उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है। मीनू उसी पाठ को अलग अलग खेलों के चित्र कार्ड को दिखाकर विद्यार्थियों को पढ़ाती है। विद्यार्थियों को अधिकतम शामिल करने में कौन ज़्यादा प्रभावी रणनीति का उपयोग कर रही है, तो सरिता जो है कर रही है सबसे ज़्यादा उपयोग।